एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली मेघा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मेरी मेहंदी हुई थी और आज कुछ स्पेशल करने वाले। यस, आप देख सकते हो पीछे की डेकोरेशन, ये मैंने सजाया है। ये देखो आप, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। सो ये है मेरे एनिवर्सरी की प्रिपरेशन। ओके, एंड मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी होने जा रही हूँ। ये देख सकते हो आप, मेहंदी में रेडी हो चुकी हूँ और अब ज़्यादा टाइम नहीं है। सो, ये मैंने वन पीस पहना है, ये मैंने दिल्ली से लिया था, दीदी जीजू ने गिफ्ट किया था। सो, आज मैंने स्पेशली से पहना है और यहाँ पे ये डेकोरेशन भी है। अभी इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है, मैं अभी आपको तुरंत दिखाती हूँ। सो यहाँ पे फाइनली सब कुछ रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। ये मैं आपको केक भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ब्यूटीफुल सा कप केक, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग रियली लवली। ये मैंने ये मैंने ऑर्डर किया है सिमरन से, सिमरन गोस्वामी। उसका मैं सारा कुछ डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मैंने प्रिपरेशन की है छोटी सी, प्लान तो कुछ और था बट क्या करूँ, टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी में जो समझ है सो मैंने किया। सो आई होप आप लोग भी मुझे बताना कि मैंने कैसी डेकोरेशन की, सिंपल में, नॉर्मल में, जैसा भी हो। ओके, सो अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को बुलाने, उन्हें ज़रा भी पता नहीं है। सो आई होप उन्हें ये सरप्राइज पसंद आए। थैंक यू, वेरी नाइस। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे फोटो बाकी था। मैं यूएस को भी हेलो बोल रहा हूँ। ओप्स, मैं फोन टेढ़ा हो गया। हाय, ये देखिए, इन्हें कुछ भी नहीं पता था, सारा कुछ मैंने प्लान किया था। हर बार की तरह इस बार भी, ये हमारा दूसरा साल है साथ में। हैप्पी एनिवर्सरी। सो आप लोगों ने देखी, ये थी हमारी रात की प्लानिंग। अभी दिन में बहुत कुछ होने वाला है तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और जो चैनल पे मेरे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरी वीडियो यहीं पे नहीं खत्म हो रही, आगे और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं नेक्स्ट डे। सो मिलती हूँ मैं कल आप सबसे। इज माई हस्बैंड। अभी हम लोग मतलब इतना टाइम हो गया था कि मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। हर बार मेरी एंड टाइम पे ही व्लॉग स्टार्ट होती है। सो अभी मेरे हस्बैंड का कॉल चल रहा था तो उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं फटाफट से रेडी हो गई और अभी हम लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं। लेट भी हो गया है और आज इधर आप देख ही रहे हो मेरे पीछे की वेदर भी कैसा है। आज यहाँ बारिश हो रही है। सो मेरी शादी वाले दिन भी बारिश हुई थी तो जस्ट फटाफट से ये मैंने गोल्डन कलर का साड़ी पहना है। ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने दिया था, सो नया ही था तो मैंने इसे ही पहन लिया। और अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। सो मेरा फोन मत तोड़ो, कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे काफ़ी ब्रेकर्स हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पास में ही है भुईफोर मंदिर, वहीं पे जा रहे हैं। तो अभी आप मेरे चैनल के साथ बने रहो और आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है तो कुछ भी मिस मत करना। प्रसाद ले लेते हैं।
लड्डू अच्छा है ना, ताजा लड्डू है ना, तो झूनू रख दिए बोतल सा। भूलकोर मंदिर अंदर अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया। तो फाइनली यहाँ पे कोई पूजा चल रही थी जिसके वजह से मंदिर खुला था, तो फटाफट से पूजा भी हो गई, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, तो मिलती हूँ मैं आप सबसे थोड़े देर में। तो अभी हम लोग आए हैं, हमें पता नहीं मेरे हस्बैंड मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, अभी तो हम लोग घर ही जा रहे थे, बट पता नहीं अब कहाँ जा रहे हैं, क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है देखते हैं। तनिष्क में ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, तो आप लोग को शाम को पता चलेगा कि फाइनली मैंने यहाँ से क्या लिया। देख सकते हो तनिष्क में बैठे हैं, तो थैंक यू। ये हमारा पति देव ऑप्स, इधर दिख तो जाओ। अरे अरे ये मैंने सोचा नहीं था, इट्स रियली अनएक्सपेक्टेड। अभी यहाँ से निकलती हूँ, फिर आप सबसे मिलते हैं। यस गाइज, अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा भी लगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये। वहाँ पे हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी हो गया पहले ही, तो अभी आप लोग तैयार रहना शाम के लिए, क्योंकि शाम में अभी बहुत कुछ मस्ती होने वाली है, सो डोंट मिस। और अभी मैं घर जा रही हूँ, फिर आप सबसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, स्टे ट्यून्ड। अभी यहाँ पे एनिवर्सरी की प्रिपरेशन चल रही है। हंस के बोलेगी? हाँ, तो दुखी होके बोले। नहीं नहीं, मतलब ठीक है। और यहाँ मेरी फ्रेंड भी आ गई, सजाने का काम करवा रही है, छूट के बुला, जो कि कुछ नहीं करी है, बस बैठी हुई है, कोई सजावट नहीं करी है। क्या कर सारा मेहनत ये लोग कर रही है। और डायरेक्शन दे देना, ऐसे करो वैसे करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं जा रही हूँ फटाफट से रेडी होने, जल्दी ही रेडी होंगे, एकदम एकदम। तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं, अभी पूरा डेकोरेशन हुआ नहीं है, सो पूरा हो जाता है और मैं रेडी होती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। हो गई हूँ शाम की पार्टी के लिए। ये गाउन मुझे दीदी ने दिया था, प्यारा सा गाउन। अभी आगे बहुत कुछ मस्ती होने वाली है, सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। और ये जो आप इयररिंग्स देख रहे हो मेरे कान में, सो मैंने यही फाइनली लिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे यही गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी पे, ये गोल्ड का प्यारा सा इयररिंग्स। आई एम सो हैप्पी। सो यहाँ पे प्रिपरेशन हो चुकी है एनिवर्सरी की, और केक भी आ गया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये है सुंदर सा केक, केक में सुंदर अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बाकी लोग भी आए हैं, सब हेलो बोल दीजिए। यहाँ मम्मी भी है। हेलो। और ये गौर से देखिए। और यहाँ पे देखिए भाभी जी वॉक करते हुए। सो अभी मैं तो तैयार हो चुकी हूँ कब की, बट यहाँ पे हर जगह लड़की लोग को लेट होता है, बट यहाँ दुल्हन तैयार है, दूल्हा का कोई आता पता नहीं, सब उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे, तो देखते हैं कितने देर में आते हैं। आते हैं फिर फटाफट से केक कटिंग होगी, सो डोंट मिस। अभी बहुत
सो फाइनली आज हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गई। काफ़ी थक गए हम लोग क्योंकि एनिवर्सरी के बाद सीधा एक पार्टी में जाना था। वहाँ पे इतना भीड़ था कि वहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर पाई। सो आई होप कि आप लोग को भी मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और आप लोग भी इस वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। और आपने देखा भी ये जो इयररिंग्स है यही मुझे गिफ्ट में मिला है आज एनिवर्सरी गिफ्ट। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को जैसे प्यार देते हैं उससे और ज़्यादा प्यार दें और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपके सामने लाऊंगी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।